हाय गाइस, पुनीत इज बैक विद न्यूज़ एंड कूल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हमारे पास है बड़ा ही कूल प्रोडक्ट स्मार्ट वॉचेस की लाइनअप के अंदर, जो कि है फॉसल क्यू स्मार्ट वॉच 4th जनरेशन वाली। तो आपने पुराने जनरेशन वाली, फॉसल एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है जो नॉर्मल वॉचेस बनाता है और इवन ये स्मार्ट वॉचेस भी बना रहा है कुछ टाइम से। तो इसकी एक पहले स्मार्ट वॉच क्यू वाली आती थी, तो वो इतनी कुछ खास नहीं थी, बट इन्होंने अभी नया वॉच लॉन्च करा जिसे बोलते हैं क्यू 4th जनरेशन स्मार्ट वॉच। और ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का स्मार्ट वॉच है और बहुत सारे नए फीचर्स के साथ में आता है, जो 2019 और 18 के अंदर, मतलब अगर आप प्लान कर रहे हो कुछ स्मार्ट वॉच परचेज करने का, तो ये कम्पीट कर सकता है ऑलमोस्ट सभी कंपनी के ब्रांड्स को और प्रोडक्ट्स को। तो चलिए जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे और किस टाइप की क्वालिटी इन कंपनी फॉसल ने बनाई है इस नए प्रोडक्ट के साथ में। तो लेट्स गेट वी स्टार्टेड। तो यार, इस वॉच में जो सबसे अच्छी चीज़ें मुझे लगी, पहली बात तो ये बहुत ही प्रीमियम लुक के अंदर आती है। अगर आप लोगों ने, जैसे सैमसंग भी स्मार्ट वॉच बनाता है, और सैमसंग की बहुत फेमस स्मार्ट वॉच है जो कि है सैमसंग गियर S3, जो कि बहुत पॉपुलर है, और इवन आई वॉच जो कि एप्पल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है स्मार्ट वॉचेस के अंदर। इवन फिटबिट भी स्मार्ट वॉचेस नहीं बोले तो हम एक्टिविटी ट्रैकर्स बनाता है, बट वो भी इंडिया में सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रैब करते हैं और इवन पूरे वर्ल्ड वाइड वो बहुत ज़्यादा सेल्स ग्रैब करने वाली डिवाइस है, अगर आप बात करो स्मार्ट वॉचेस के ब्रांड्स के अंदर। तो फॉसल ने अभी रिसेंटली लॉन्च करा है और सबसे अच्छी जो फर्स्ट मुझे चीज़ इस वॉच की लगी, फर्स्ट तो डिज़ाइन ही बहुत ही प्रीमियम लुक में आता है, और लाइक इसके अंदर आपको लेदर और सिलिकन बेल्ट्स का ऑप्शन अवेलेबल है, और गोल्डन और जो भी आपको स्पेसिफिक कलर चाहिए सिल्वर, तो उसका ऑप्शन भी अवेलेबल है। दिखने में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और एक तरीके से नॉर्मल वॉच अगर आपने हाथ में पहन रखा हो तो लगेगा, बट ये आता है स्मार्ट वॉच कैटेगरी के अंदर, और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा गूगल का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि है वेयर OS। तो पहले जो पुराने वॉच थे वो फॉसल के खुद के इंटरफेस के साथ में आया करते थे, यूज़र इंटरफेस के साथ में आए थे। फिटबिट खुद भी अपने, जो फिटबिट की स्मार्ट वॉच आती है वो खुद के यूज़र इंटरफेस पे आती है, UI पे आती है, और इवन एप्पल की खुद की UI होती है। तो बट फॉसल ने इसमें अब अपनी UI हटा दी है, जो लोगों को प्रॉब्लम थी पुरानी स्मार्ट वॉच इसमें कि यार वो अपनी UI पे चलते थे और उसमें एप्लीकेशंस का बड़ा कम सपोर्ट था, इसके अंदर गूगल वेयर डला हुआ है जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, लेटेस्ट वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसका बेनिफिट ये है कि यार ये इसमें आपको एप्लीकेशंस बहुत सारी अवेलेबल है, और इसके अलावा इसमें और फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है बिकॉज ऑफ गूगल का सपोर्ट है। तो इसके अंदर आपको गूगल असिस्टेंट और बहुत सारे नई एप्लीकेशन लाइक उबेर और म्यूज़िक के लिए स्ट्रावा, बहुत सारे नई एप्लीकेशंस का सपोर्ट इसमें देखने को मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं फिटबिट में आपको कमी मिलेगी अगर आप एक फिटबिट फिटनेस ट्रैकर्स पहनते हो। वैसे तो मैं फिटबिट यूज़र हूँ, आप देख सकते हैं मैंने अभी हाथ में फिटबिट का आयोनिक पहन रखा है जो इनका फ्लैगशिप कैटेगरी का स्मार्ट वॉच या फिर एक्टिविटी ट्रैकर है बिल्ट इन GPS वाला, बट ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज करा है बिकॉज ऑफ ये एक वॉच, एक प्रोफेशनल वॉच नहीं लगती है, ये हमेशा आपको लगेगा कि आपने कोई हाथ में डिवाइस पहना हुआ है, और ये एक प्रॉपर प्रोफेशनल क्रोनो वाला वॉच है। इसमें बहुत सारे स्क्रीन फेसेस आपको देखने को मिलेंगे और जो इसका क्वालिटी ऑफ मेन जो फील और लुक है वो बहुत ही अमेजिंग है। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी डिस्प्ले में इसमें AMOLED डिस्प्ले डला हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, और कलर कॉन्ट्रास्ट अगर आप डे लाइट के अंदर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अगर पुरानी स्मार्ट वॉचेस यूज़ करते थे तो डे लाइट में बड़ी प्रॉब्लम होती थी बिकॉज ऑफ स्क्रीन प्रॉपरली दिखती नहीं थी। तो इसका जो स्क्रीन का डिस्प्ले है वो सुपर AMOLED इन्होंने कंपनी ने डाल के दिया है, तो आपको जो स्क्रीन का शार्पनेस है, रेजोल्यूशन है, वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरा जो ऑपरेशन है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो डायल दे रखे हैं ये डायल कस्टमाइजेबल है, जो ऊपर और नीचे वाले दो डायल्स हैं। इसके अलावा जो ये मेन स्विच है, इससे आप मेन्यू को स्क्रॉल कर सकते हो, जो कि बहुत ही यूज़फुल फीचर लगा मुझे अगर आप टच यूज़ नहीं करना चाहते हो। तो इन घड़ियों के अंदर फिटबिट की या फिर और कोई स्मार्ट वॉच में ब्रांड की बात करूं तो उनमें आपको कोई स्पेसिफिक डायल नहीं दे रखा अगर आपको टच यूज़ नहीं करना, बिकॉज ऑफ आपको बार बार स्क्रीन पे आना पड़ता है। और क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले अगर कंपेयर करूं मैं और किसी अदर ब्रांड के स्मार्ट वॉच से, तो सबसे हाई क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली अगर आपको पता हो तो फॉसल को गूगल ने एक्वायर कर लिया है, और स्पेशली फॉर स्मार्ट वॉच वाले डिवीज़न को गूगल खरीद चुका है। तो आने वाले टाइम पे, मतलब गूगल एंड्रॉयड वेयर के अंदर आपको बहुत सारे नए अपडेट देखने को मिलेंगे, इवन इसमें गूगल पे भी दे रखा है, तो अगर आप, मैक्सिमम लोग गूगल पे अब बहुत यूज़ करते हैं बिकॉज बहुत ही ईजी
ऑप्शन है टू डू ट्रांजेक्शन, आपको बार बार किसी वॉलेट में डालने की जरूरत नहीं, UBI के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है। तो इसमें गूगल पे का भी सपोर्ट दे रखा है, तो आने वाले ऑप्शन में फ्यूचर में आपको बहुत सारे एप्लीकेशन इसको देखने को मिलेंगे, रादर देन जो यूज अभी लोग कर रहे हैं सैमसंग की स्मार्ट वॉचेस या फिटबिट की एक्टिविटी ट्रैकर, उनमें बहुत कम एप्लीकेशन का सपोर्ट देखने को मिलता है और काफ़ी एप्लीकेशन पेड होती हैं, तो इस वजह से लोगों को प्रॉब्लम आती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है और लोग बस यूज़ कर रहे हैं उनको दिखाने के लिए। तो ये बेसिक सारी एक्टिविटीज ट्रैक कर लेगा आपकी, लाइक स्टेप्स, डिस्टेंस, कैलोरी बर्न, मतलब आपका एक्टिविटी ट्रैकर तो है ही इट सेल्फ, ये आपका हार्ट रेट भी ट्रैक कर सकता है। बट हार्ट रेट में मुझे एक जो कमी लगती है कि ये यार लगातार आपका हार्ट रेट नहीं ट्रैक करता, जब आप प्रेस करते हो हार्ट रेट ट्रैकिंग का बटन तभी ये आपको एग्जैक्ट उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हार्ट रेट चल रही है वो बताएगा। बट जो फिटबिट की एक्टिविटी ट्रैकर हैं वो लगातार कॉन्स्टेंटली आपके हार्ट रेट को ट्रैक करते हैं। और एक और जो सबसे बड़ी बात मुझे बहुत बुरी लगी, इसकी बैटरी लाइफ, इसकी बैटरी लाइफ बहुत ही ख़राब है यार, ये मुश्किल से 8 से 9 घंटे चलती है। अगर आपने वाईफाई ऑन कर दिया लगातार फ़ोन से कनेक्ट कर रखा है, या 7 से 6 घंटे, मतलब आपको दिन में एक बार इसको चार्ज पे लगाना ही पड़ेगा। तो जो लोग ट्रैवल करते हैं ट्रैवलर्स के लिए बहुत ही बेकार ऑप्शन है, बट कंपनी ने इसमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया है, अगर आप इसको चाहें तो विद इन हाफ एन आवर के अंदर पूरा चार्ज कर लेंगे। इवन फिटबिट की भी कुछ जो फ्लैगशिप घड़ियाँ हैं वो फास्ट चार्जिंग पे आ रही है, तो मैंने देखा है कि आयोनिक भी आराम से 45 मिनट में पूरी चार्ज हो जाती है, और जो सबसे बड़ी बात है ये करीबन 4 से 5 दिन चल जाती है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज मैं ट्रैवल करता था, ट्रैवलर्स को बार बार चार्जर्स होते नहीं हैं और आप कितने सारे चार्जर्स कैरी करके जा सकते हो, तो ये सेम टाइम पे काफ़ी लॉन्ग टाइम चल सकती है। एक वन ऑफ दी गुड बात लगती है मुझे स्मार्ट वॉच की। तो अगर आप इसको प्लान करने परचेज करने का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप जा कर के अमेजन पे बहुत अच्छे प्राइजेस में अवेलेबल है, तो आप जाके परचेज कर सकते हैं। इवन अभी गूगल ने इसे एक्वायर कर लिया है, तो कुछ कम प्राइजेस में, कुछ डिस्काउंट्स में आपको अवेलेबल है। ये मैंने करीबन मोर देन 22,000 की परचेज करी है ना। और आप इसकी क्रोनो स्क्रीन फेस देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे आपको स्क्रीन फेसेस अवेलेबल है। बट एक जो मुझे बहुत ख़राब चीज़ लगी है, थोड़ा हैंग करती है, मतलब लैग होती है, बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल का है और रैम की रिक्वायरमेंट होती है। इस वॉच की रैम कम है, इंटरनल मेमोरी कम है, इस वजह से भी ये थोड़ा सा लैगिंग करती है। बट ओवरऑल अगर आप मैं फील और जो क्वालिटी की बात करूँ, तो ये बहुत ही अच्छा स्मार्ट वॉच है और बहुत सारे नए फीचर्स के साथ में आपको देखने को मिलेगा। मेन जो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन, जो इसमें बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी, वो आपको और किसी भी कंपनी के स्मार्ट वॉच में नहीं मिलेगी, बिकॉज ऑफ ये गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है। इवन ये पेरेबल है विद आपके एंड्रॉइड, अगर आपके पास फ़ोन और आईफोन अगर आप यूज़ करते हो, तो ये उन सभी पे कनेक्ट हो जाती है ईजिली, और आप आसानी से कनेक्ट करके अपने स्मार्टफोन के नोटिफिकेशंस, आपके मैसेज और आपकी मेल्स डायरेक्टली थ्रू दी एप्लीकेशन देख सकते हो। ये सारे सभी बेसिक फीचर्स आपको फिटबिट में भी आल्सो अवेलेबल हैं, बट जो फील की अगर मैं बात करूँ, तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं मिलता जो कि इस घड़ी में मुझे मिलता है। बट एक और जो मुझे प्रॉब्लम लगती है इस घड़ी में, इसको आप रात को पहन के नहीं सो सकते, और इसके अंदर आपको स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन भी नहीं देखने को मिलेगा। बट जो फिटबिट की वॉचेस हैं, ये ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ एक्टिविटी ट्रैकर हैं, फिटनेस ट्रैकर हैं और स्लीप ट्रैकिंग इसमें दे रखी है, तो इनको बनाया इस तरीके से जाता है कि आप रात को अगर सोना चाहो तो सो सकते हो। और एक और चीज़ है, मैं बहुत ज़्यादा सोता हूँ और मेरा अलार्म बजता है तो मुझे पता नहीं चलता है, तो मैं इसमें अलार्म सेट कर लेता हूँ, तो वाइब्रेशन के थ्रू ये मुझे उठा देता है नींद में से। तो ये गुड ऑप्शन है, मतलब अगर आप अपने ऑफिस वेयर के लिए देख रहे हैं, अगर इसमें दिखने में बड़ा मतलब एक प्रीमियम फील आपको देगा, बट अगर आप एक एक्टिव यूज़र हैं, आप फिटनेस के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, आपको चाहिए क्या बोलते हैं कम्फर्ट, आपको डिज़ाइन से कुछ लेना देना नहीं है, तो फिटबिट अभी भी वन ऑफ द गुड ऑप्शन है, जो कि आयोनिक मेरे पास में है। इसके अलावा वर्सा भी फिटबिट की एक वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट है, अगर आप सोच रहे हैं अगर आप स्मार्ट वॉच के अंदर घुसने का। तो अगर आपको लुक देखना है तो यू कैन गो विद दिस, ये भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है और बहुत सारे नए ऑप्शंस के साथ, बहुत अच्छी चीज़ों के साथ में देखने को मिलेगा। और अगर आपको फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए, लाइट वेट प्रोडक्ट चाहिए, तो यू कैन गो ऑन दिस प्रोडक्ट, बिकॉज लाइट वेट है और रबर स्ट्रैप्स के साथ में आता है, तो इट्स कूल फॉर एवरीडे यूज़, और मतलब पूरे दिन 24 आवर्स यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ऑफिस वेयर और थोड़ा मतलब हाथ में कुछ आपको दिखाना है, मतलब कुछ क्लासिक सी वॉच लगे, तो इस वन ऑफ द गुड ऑप्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मुझे लगता है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप परचेज करने का प्लान करें तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने लिंक डाल दिया अमेजन के, वहाँ जाके आप परचेज कर सकते हैं। और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Stay tuned, stay rock.